भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ शिव मंदिर से लाया हुआ कुंद कैश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह नवग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल लाकर अगर आपने पीपल के दे दिया है, कुंद कैश्वर महादेव के नाम से ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगे। ये दो जगह पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा जगह। कुंद कैश्वर का नाम दो जगह काम करता है, एक औषधि के लिए, एक क्रोध के लिए। घर में ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, माता और बच्चों की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही, कुटुंब कबीले में नहीं बन रही, उसकी जगह पर भी कुंद कैश्वर का जल काम आता है। पर कुंद कैश्वर का जल वहां पर कैसे काम आता है? पीपल के पत्ते को, जो वृक्ष से जड़ा हुआ हो, उस पीपल के पत्ते को पीपल के ही वृक्ष के नीचे रखकर कुंद कैश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते की जो नोक होती है, पीपल के पत्ते का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो नोक होता है, उसको पीपल की वृक्ष की ओर होना चाहिए, डंडी का मुख तुम्हारी ओर होना चाहिए पीपल के पत्ते के। और कुंद कैश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जब हम समर्पित करते हैं घर का नाम और गोत्र का स्मरण कर, तो उस परिवार में फिर विवाद समाप्त हो जाता है, आपस में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये कुंद कैश्वर महादेव का। शिव भक्ति की ओर अगर महाराज श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, शिव कथा कर रही है। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने स्मरण किया, भगवान शंकर को निवेदन किया और निवेदन कर नवग्रह शिव महापुराण का जो स्मरण अपन कर रहे हैं उसका एक आनंद, पीपल के वृक्ष की जड़ में कुंद कैश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर सुख प्राप्ति का भाव। आगे वर्णन किया महाराज, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, हे अविनाश, आज दनु के पुत्र रम और करम ये दोनों बड़े प्रबल हैं, इनके घर में संतान नहीं है। दोनों ने तप साधना पानी में जाकर करी, जल में बैठकर तप साधना करी, मगर आया करंब को खा गया। रंब को लगा कि मेरे भाई को मगर खा गया, अब मुझे यहां बैठकर तप नहीं करना है, तो भूमि पर बैठा, चारों तरफ से अग्नि लगाई, बीच में बैठकर तप करने लगा। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज वर दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, पुत्र नहीं, तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो। भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तुम तपस्या कर उठकर जब जाओगे, जाते समय जिसको प्रेम से देख लोगे उसी से तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। रंब उठकर जब जाने लगा, जाते समय एक महिष, एक भैंस निकल कर जा रही थी और रंब ने उस महिष को प्रेम से देख लिया। उस भैंस को उस महिष को प्रेम से देखा तो महिष का गर्भ ठहर गया। भैंस जब गर्भ ठहरा तो अपने घर गई, तो उसका जो पति था भैंसा महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ कैसे ठहर गया, तो ध्यान करा तो मालूम पड़ा इसके गर्भ में रंब का पुत्र है। इसको क्रोध आया, महिषा दौड़ कर गया भैंसा और उसने जाकर रंब को मार दिया। रंब मरा, नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा, तो भैंस को लगा, महिष को लगा कि इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, मैं इसकी पत्नी कहलाऊंगी, क्यों ना इसके साथ सती हो जाऊं। और महिष जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे ही जलती हुई चिता में महिष कूदी, कूदते से ही उस भैंस का एक पुत्र उत्पन्न हो गया, धधकती हुई चिता की अग्नि में से बाहर निकला, उसका नाम महिषासुर हो गया। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा कि मुझे वर दो,
मैं किसी के हाथ से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो अगर वर दीजिए, अगर मरूं तो किसी स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु कह दिया। महिषासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, कोई उसको मारने वाला नहीं था। तब देव अधिदेव महादेव के पास में जाकर निवेदन करा, आप कुछ करिए और इस महिषासुर को मार दीजिए। शिव जी ने कहा कि महिषासुर को तो स्त्री मारेगी, लक्ष्मी जी से जाकर कह दो लक्ष्मी जी मार दे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में इतना बल नहीं कि वो महिषासुर को मार सके। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में जो बल था, माता लक्ष्मी ने अपने पति को श्राप देकर उस बल से मुक्त हो चुकी है। बल से मुक्त? हाँ, एक बार माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु का आगमन हो गया, और भगवान विष्णु का आगमन हुआ तो लक्ष्मी जी ने, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुरा दिए, हंस दिए। लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कहा, नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए, क्योंकि तुम घोड़े जैसे हंसे। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ लक्ष्मी के इसी श्राप से, घोड़े का मुख लग गया। तो लक्ष्मी ने अपने पति जी से अपशब्द कह दिए थे, इसलिए इसमें बल नहीं है। तो सरस्वती से कहो वो महिषासुर को मार दे। सरस्वती में भी वो बल नहीं है कि वो महिषासुर को मार दे, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में ब्राह्मण कह रहे थे जल्दी से सरस्वती को लेकर आओ, वीणा देवी को लेकर आओ। ब्रह्मा जी बार बार जाकर कहते, वीणा चलो, सरस्वती चलो, सरस्वती चलो, देवी चलो, ब्राह्मणी चलो, पर सरस्वती देवी नहीं गई। ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, ब्रह्मा जी कुछ तो करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा आपको जो करना है करो। तभी ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा करा, गौ माता को खड़ा कर ब्राह्मण वेद की ध्वनि करने लगे। ब्राह्मण जब वेद की ध्वनि करने लगे, गाय को खड़ा कर जब वेद की ध्वनि करी, तो गौ माता के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर गई और ब्राह्मणों ने